हेलो गाइस, तो क्या हाल है भाइयों। आ गए हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे बट हाँ, जो हमारा नट बोल्ट वेलकरी है, जिसको हम खतरनाक वेलकरी कह सकते हैं, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जिसको हम डेथ वेलकरी कह सकते हैं, जिसको कुछ भी बोल लो भाइयों, इसकी फाइट हम करेंगे रिवाइवर, जो कि मैंने कल वीडियो में बोला था रिवाइवर से करेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि रिवाइवर के तोते उड़ा दिए थे इसने तोड़ तोड़ के, बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था रिवाइवर को। तो आज हम इसको बैरिंग ड्राइवर देंगे। और गाइस, नहीं बैरिंग ड्राइवर शायद ना देना पड़े, क्योंकि बैरिंग ड्राइवर में एक कमी है गाइस, इसके क्लिक्स अच्छे हैं, बैरिंग ड्राइवर के क्लिक्स बहुत ही अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। बहुत ही क्या कह रहा हूँ मैं, शायद बस स्टॉपर लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रिवाइवर में हम ये रबड़ यूज़ करेंगे जो इसका ओरिजिनली रबड़ इसी का है भाई, इसी का, क्योंकि इसी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था ये रबड़, और काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया इस रबड़ को, तो शायद थोड़ा सा टाइट हो चुका है। यप, अब मेरे को इसको फिक्स करना पड़ेगा गाइस, सबसे मेहनत का काम दोस्तों। ओह नाइस, हो गया। बड़ा दिक्कत है यार, लेकिन कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा रिवाइवर जो कि हो गया रेडी अपने शील्ड के साथ, एक ऐसी शील्ड जो कि दुश्मन के तोते उड़ा देती है। तो देखना ये होगा कि वेलकरी के भी तोते उड़ा पाएगा, जो कि हमारे पास है ये है भाई 400 ग्राम का है, ये है 200 के आसपास, लेकिन रबड़ की शील्ड आ चुकी है भाई के पास। देखना ये होगा कि रबड़ की शील्ड बचा पाएगी इसको या नहीं बचा पाएगी। ठीक है, तो करते हैं इसकी फाइट। एनएमएस स्टेडियम ही सही रहेगा भाइयों इनके लिए, क्योंकि ये भाई सब स्टेडियम को तोड़ देते हैं, और स्टेडियम पता है कितने महंगे आते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ भाई मेरे स्टेडियम को कुछ ना हो। स्टेडियम बड़े कॉस्टली आते हैं भाई, सच में बहुत कॉस्टली आते हैं। ओके, नट बोल्ट वेलकरी वर्सेस रिवाइवर, 5 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट की करेंगे, नहीं 5 या 10 की। ओके, और देखेंगे क्या कुछ, 10 बैटल करते हैं गाइस, 10 पॉइंट की बैटल करेंगे, नहीं 10 पॉइंट्स की नहीं, 10 बैटल करेंगे, उसमें से जो जीत गया उसको विनर घोषित कर देंगे हम। ओहो, इसका रबड़ निकलने वाला है, बट देखना होगा क्या रबड़ निकलने से पहले अपने आप को रिवाइव करा पाएगा रिवाइवर। रिवाइवर का काम है औरों को रिवाइव कराना, खुद को नहीं, बट कोशिश करेगा रिवाइवर पूरी अपनी। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एंगल, कैमरा ना टूट जाए दोस्तों। नाइस, रिवाइवर बहुत ही आराम से जीतते हुए पहली बैटल। भाइयों, इसको भी हराने वाला मिल चुका है हमको, नट बोल्ट वाले को भी। अभी तक इसको कोई नहीं हरा पाया था, 500 ग्राम वाला भी इससे हार गया था, लेकिन गाइस रिवाइवर ने अपने आप को साबित कर दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो रिवाइवर का एक पॉइंट होता है 10 बैटल में से, तो पहली बैटल में रिवाइवर जीतता है। ओके, रिवाइवर का रबड़ थोड़ा निकल जाता है, इसलिए मैं स्लो लॉन्च करता हूँ उसको। ये तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार, रिवाइवर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रबड़ बड़ा काम करता है यार रिवाइवर का, यानी कि रिवाइवर एक परफेक्ट पैक्ड बेब्लेड है। उसको उसका वो निकाल दिया तो डीमन किंग को हरा देता है। अरे सॉरी, माफी चाहेंगे गाइस, बहुत जल्दी बोल दिया था मैंने, गजब बेइज्जती है। लेकिन अभी भी फाइट बाकी है। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये यही बोल रहा था मैं, रबड़ निकल जाता है दोस्तों इसका जब मैं तेज लॉन्च करता हूँ। कहाँ गया, कहाँ पे आ गया। ओके, दोबारा डालना पड़ेगा गाइस। इसको मैं परमानेंट फिक्स कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को वो वाला रिवाइवर भी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नहीं करता इसको। तो गाइस कुछ करना कुछ ऐसे है कि अभी 2 बैटल हुई है ना, 2 में एक एक पॉइंट दोनों का हो गया। अब 5 बैटल के बाद में इसका बाद में लॉन्च करेंगे, उसको पहले लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी इसको पहले लॉन्च कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से बैरिंग लगा देना चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं करेगा, शायद बर्स्ट भी ना हो, क्योंकि शायद ना हो भाई, क्योंकि तो क्या ही बोलूँ मैं। बस दुआ कर सकते हैं कि ना हो। ओके, चलो भाइयों, बैरिंग लगा दिया गाइस, तो इसमें स्टेमिना आ चुका है, अब शायद ये हरा दे। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं भाई उसको हराने के लिए। नाइस, बैरिंग ड्राइवर अपना काम करते हुए दोस्तों। ये क्या हुआ, लॉन्चर गया नहीं, बच गया, ये अटक गया था क्या। ओके, अब देखते हैं, काफ़ी देर में लॉन्च किया मैंने, बट मेरे ख्याल से बैरिंग ड्राइवर है तो रिवाइवर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो भी सकती है भाई, रिवाइवर को डाउन कर दिया गया है बहुत ही बुरी तरह से, और 1 सेकंड में हार सकता है रिवाइवर कभी भी।
यप यही तो दिक्कत है दोस्तों, ये है रिवाइवर जिसके लिए एक टोल चाहिए भाई, टोल टैक्स चाहिए गाइस। रुको रिवाइवर को हाई मोड में करके देखते हैं, शायद हाई मोड में काम कर जाए। अगर हाई मोड इसका काम करे तो, अगर हाई मोड इसका काम कर गया तो अच्छा होगा भाई रिवाइवर के लिए, क्योंकि रिवाइवर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है भाई, और वो उसके लिए नहीं है। अच्छा यार ये तो नहीं होता भाई। फाइनली गाइस बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको हाई मोड कर दिया है और अब रिवाइवर को हाइट मिल चुकी है, यानी कि अब रिवाइवर लंबा हो चुका है। रिवाइवर ने कॉम्प्लेन पी लिया है दोस्तों और रिवाइवर की हाइट पूरी पूरी बढ़ चुकी है। नाइस, अब जीत जाएगा वेलक्री से बिल्कुल आराम से। एक और कमजोरी रिवाइवर की हमने ख़त्म कर दी, अब तो रिवाइवर को जीतना ही चाहिए भाइयों। ठीक है, तो तीन बैटल हो चुकी हैं, दो पॉइंट हैं वेलक्री के और इसका है एक पॉइंट, लेकिन अब मैंने कुछ काफ़ी ऊंचा कर दिया तो अब इसको जीतना चाहिए। तीन फोर्थ बैटल, लेट्स सी क्या रहता है। ये क्यों हो रहा है यार, मत कर भाई ये मत कर यार, मैं तेज लॉन्च करना भूल जाता हूँ यार, इसको स्लो लॉन्च करना है। ओहो भाई, एक तो गर्मी इतनी है ना, क्या बताऊँ मैं, इस बार स्लो लॉन्च करूँगा, पक्का स्लो लॉन्च करूँगा याद रख के। ओके फोर्थ बैटल गाइस, एक बार और। ओके नाइस, लेट्स सी क्या कर पाता है इस बार हमारा डेथ वेलक्री इसके सामने रिवाइवर के। ओ शिट, ये तो भाई सोचा नहीं था मैंने। तो दो पॉइंट और जाते हैं रिवाइवर के, यानी कि हो गए हैं वेलक्री के चार पॉइंट वेलक्री के। पांचवें बैटल करते हैं गाइस। बैड आइडिया दोस्तों, बिल्कुल ही बैड आइडिया, हमको वापस यही करना चाहिए। ओके एक लास्ट बैटल, उसके बाद में हम नट बोल्ट वाले को पहले लॉन्च करेंगे। ओके रिबूट ड्राइवर वर्सेस नट बोल्ट डेथ वेलक्री, इस बार शायद टक्कर लेगा रिवाइवर पूरी। नहीं लेगा भाई, रिवाइवर का कोई चांस नहीं है भाइयों, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है यार, कोई चांस नहीं है बस। कम ऑन रिवाइवर, अब बारी है इसकी पहले लॉन्च होने की। रिवाइवर भाई ये भी बर्स्ट होने वाला था, बर्स्ट करने वाला बेब्लेड बर्स्ट होने वाला है यार, तेज लॉन्च नहीं कर सकता और स्लो लॉन्च में इसके कुछ पापड़ नहीं बेलते, क्या करूँ। ओके गाइस, हमको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, परमानेंट रिवाइवर को ये वाला मोड देके। फाइनली गाइस रिवाइवर चिपक चुका है बिल्कुल परमानेंटली, बट मेरे को फिर भी भरोसा नहीं है, वो तोड़ सकता है कुछ भी, नाखून भी चिपक गया गाइस मेरा परमानेंटली। चलो भाइयों देखते हैं, पांच बैटल हो चुकी थी, छठी बैटल देखते हैं। चार पॉइंट रिवाइवर के हैं, पांच हो गए हैं शायद, वैसे चार के हैं, जो भी है। अब तेज रिवाइवर लॉन्च हो सकता है पूरा, लेकिन रिवाइवर फिर भी हारता है दोस्तों, फेंक के मार दिया गया रिवाइवर को बहुत ही बुरी तरह से। अरे चीचा, रिवाइवर के तोते उड़ गए गाइस। ओ भाई तेज मारता है यार ये स्लो में भी इतना तेज है। छह बैटल हो चुके हैं गाइस, छह पांच पॉइंट्स हैं इसमें वेलक्री के, छह में से छह ही हैं शायद। कम ऑन वेल रिवाइवर, रिवाइवर कम ऑन ये ब्रो। ओके दोस्तों, ओ शिट, रिवाइवर जब लगा कि जीतने ही वाला है तभी बॉस्ट हो गया रिवाइवर। रिवाइवर को मैं कितना कुछ अपग्रेड करूँ गाइस, क्या करूँ रिवाइवर के साथ जिससे कि जीत जाइए हमारे डेथ वेलक्री से। सात बैटल हो चुकी हैं, सात पॉइंट हैं डेथ वेलक्री के, सात नहीं है गाइस, वैसे नौ पॉइंट है शायद। ओ ये क्या हुआ भाई, ये तो टर्बो बेब्लेड एक्स से भी ऊपर का सीन हो गया गाइस इसका तो। तो ठीक है गाइस, हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि रिवाइवर के बस की बात नहीं है हमारे डेथ वेलक्री को हराने की। तो ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है और इसका टाइटल अभी भी जिंदा है, इसको कोई हरा नहीं सकता। और माफ़ी चाहेंगे, वीडियो में इतने सारे कट्स लगे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार उसको तो। और हाँ, रिवाइवर के बस की बात नहीं है गाइस इसको हराना, अब तो डीमन किंग को ही कुछ करना पड़ेगा, शायद डीमन किंग कुछ कर दे। रुको गाइस एक मिनट, डीमन किंग के लिए एक मौका तो बनता है, बिल्कुल बनता है गाइस। तो गाइस ये है डीमन किंग जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये है हमारी एक डिस्क जो कि काफ़ी मस्त डिस्क है, काफ़ी अग्रेसिव डिस्क भी कह सकते हो इसको।
अग्रेसिव नहीं, काफ़ी हैवी डिस्क कह सकते हो, 53 ग्राम वेट है उसका। और अब हो चुका है डेमन किंग टैंक मोड, लेट्स सी अब क्या करता है डेमन किंग, जीत पाएगा अब हमारे वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट बेबलेट से, या डेमन किंग को वही हार का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये इस स्टेडियम में नहीं हो सकती, तो गाइस डेमन किंग भी, अरे भाई यार क्या कितना बेकार बेबलेट है, टिकने भी नहीं देता, बैठने भी नहीं देता ढंग से। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, लाइक कर दो वीडियो को इसी बात पे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।